माता की जय। यूनियन में लाए और आज महागठबंधन का भी आंदोलन शुरू हो गया, एक आह्वान हो गया है, क्योंकि महागठबंधन का मतलब यह है कि बिल्कुल हमने किसी के साथ एक तो बदतमीजी नहीं करनी, जो हमारे अधिकार है उनका आदर सम्मान हमेशा करते हैं और करते रहेंगे, और जो मांगे हैं हमारी अपने धीमे पने से मांगेंगे और झुक के मांगेंगे, हाथ जोड़ के मांगेंगे, क्योंकि हम जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, अफसर हैं, हम उनकी संतान है, वो हमारे माई बाप है। इसका सारा निचोड़ हमारे अध्यक्ष साहब और सेक्रेटरी साहब के द्वारा ही होगा, और हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि हजारों कर्मचारियों की तकलीफ को देखते हुए इस काम को जल्द से जल्द करवाने की अनुकंपा करें, जिसके लिए यूनियन उनका आभार प्रकट करेगी, महागठबंधन का आभार प्रकट करेगा। दूसरी मांग है हमारी आरएमआर की मांग, जो हमारी एमएचए गई हुई है तो वो आरआर चेंज करने के लिए और एज रिलैक्सेशन के लिए गई थी, उसके बाद एमएचए ने वो केस आरएमआर वाला डीओपीटी में भेज दिया, डीओपीटी से आरआर बन के आ गए हैं और एज रिलैक्सेशन पे भी उनको आपका मिल गया है। मैं भी कर रहा हूँ कटाना जी, आपका सॉरी। और फाइल अब एमएचए में जेएस के पास पड़ी है और जल्दी एनडीएमसी में आने वाली है। जो हमारे भाई 15-20 साल से स्थाई नहीं हो पाए वो जल्दी स्थाई होंगे करुणामूल आधार पर। जो हमारे डेथ केस के आश्रित हैं उनको हमने अपनी डिमांड पत्र में लिखा है कि 100% नौकरी दी जाए, जिससे कि जो हमारे साथी हैं उनका परिवार का भी पालन पोषण हो सके। संविदा कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, 2014 में S10 के अधीन जो उनको समान काम समान वेतन देना था, वो 7 साल हो गए उनको, अभी तक वो वेतन उनको नहीं दिया गया है, जबकि S3 के अनुसार डॉक्टरों को वो 2014 से ही मिल रहा था। और पांचवा हमारा मुद्दा है TMR से RMR करवाना, जो कि काफ़ी टाइम से ये लोग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब तक RMR से स्थायी नहीं होगा TMR से RMR नहीं होगा। उसी के अंदर है जो हमारा TMR ख़त्म कर दिया है, अगर ये उसे खोल देते हैं तो हजारों बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। जी, इसी के साथ मैं और हम देख रहे हैं एक जुट यहाँ पे एक आवाज उठाई, ये आवाज ये महागठबंधन शुरू से ही होता है, काम बन जाते हैं। आपने अगर ये गठबंधन बहुत पहले से होता तो प्रशासन भी एक बार सोचता, अगर भाई सारे कर्मचारी एक हो गए हैं, इनकी मांगों को हम मान लेते हैं। लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे चेयरमैन महोदय शक्ति साहब जी ये हमारी बातों को लेकर बड़े उत्साह होंगे, और हमें आसमार हो या परमानेंट कर्मचारी हो, आज जिन्होंने हमारा साथ दिया मैं उनको बहुत बहुत हृदय से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों की आवाज़ को हम बिल्कुल झुकने नहीं देंगे, प्रशासन के सहयोग से आपकी हर मांगों को, जो हमारा NDMC कर्मचारी महागठबंधन है, वो आपकी आवाज़ को पूरी ऊँचाइयों तक छू के ले जाएगा। अब हम लोग जाना चाहें जारी महागठबंधन के जय वाल्मीकि जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए आज जो पीड़ा NDMC कर्मचारियों की है और आज जो गठबंधन हुआ है इसमें एक मुट्ठी बन गई है, एक ताकत बन गई है, क्योंकि जैसे जितेंद्र जी हैं, भाई हैं, कटाना जी, हम लोग सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई कैसे लड़ेंगे, हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। किसी को हमने बदतमीजी नहीं बोलनी, किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं जाना, हमने एक विनती रखनी है, अपना प्रयास करना है कि हमारा जो विनती है और जो कार्य है हमारे जो लोगों के जो पिछले अभी डेथ केस है, रेगुलर है और DTL है, हम उसमें अपने भाइयों के साथ में हर तरीके से और प्रशासन से विनती दोबारा से मैं करना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के कि जो महागठबंधन बनाए और जो सबने विश्वास करके एक यूनियन को अधिकार मिला है, आज जो हम एक हो गए और पदाधिकारी और आज सबने विश्वास किया है, क्योंकि हमें किसी के ऊपर तो फेथ करना पड़ेगा, जो जितेंद्र जी के, खटाना जी के ऊपर जो फेथ कर रहे हैं सब लोग, और जो पूछते हैं और हम कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि अब हमारा क्या हो रहा है। अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महागठबंधन हो चुका है और हम हक अधिकार की लड़ाई करेंगे, लेकिन लड़ाई करेंगे प्यार से, अपने अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ के विनती करेंगे। जय वाल्मीकि जय। जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।